17 मई को लॉकडाउन की जहां एक और मियाद खत्म हो रही, तो वहीं पूरे देश में मजदूरों के पलायन का क्रम जो है लगातार जारी है। कई ऐसे छात्र हैं जो कि अपने घरों तक जाना चाहते हैं, अपने राज्यों तक जाना चाहते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आखिर क्या कारगर कदम उठा रही है, आज इसी को लेकर इंदौर जिला प्रशासन की संभाग स्तरीय एक बैठक हुई है। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी। मंत्री जी, क्या आज बैठक में निर्णय लिया गया है और मजदूरों के दर्द पर आखिर मलहम कब लगे? ये एक बड़ा चुनौती है, कोरोना संकट है, वायरस संघर्ष का दिन है, दिन चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ये संकट उनका नहीं है, ये संकट हम सबका है। प्रवासी मजदूरों की बात बहुत गंभीर बात है, विद्यार्थियों की बात अति गंभीर है। आप जानते हैं लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के प्रवासी हमारे मजदूर देश के कई प्रांतों में मजदूरी के लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाखों की संख्या लगभग 1.5 लाख मजदूर हम अन्य प्रांतों से हमारे प्रांत में लाकर उनके जिले पर उनके घर पर भेजने का काम हम ये कर रहे हैं। आप जानते हैं बस के द्वारा और रेल के द्वारा, और ये भी जो रेल का किराया है बस का किराया है सब सरकार वहन कर रही है। और एक दुखद घटना औरंगाबाद में हुई महाराष्ट्र के अंदर, जब उनको ये उन 20 मजदूरों को ये पता पड़ा कि मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से एक ट्रेन मध्य प्रदेश जा रही है, वो पैदल चल के आ गए बेचारे, थक इतने गए, रेल पटरी पे सो गए, उन्हें क्या पता था कि नींद इतनी आगोश में अपने ले लिया कि उनकी नींद हमेशा के लिए लग गई। इससे दुखद दर्दनाक हादसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देश की बुनियाद मजदूर है। मध्य प्रदेश का भविष्य जो अपने श्रम से मजबूत करता है ये मजदूर है। मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत उनके संज्ञान में आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की और देश के प्रधानमंत्री से बात की, देश के रेल मंत्री से बात की, और उस परिवार को सहायता देने के लिए 5-5 लाख रुपए और जो गंभीर थे उनको 3-3 लाख रुपए देने की राहत की घोषणा की। और उससे ज़्यादा दर्द इस बात का था, ये घटना ने हम और आपके दिल और दिमाग को झंझोर के रख दिया है। सम्माननीय मुख्यमंत्री ने अपील की है पूरे देश के कोने में जो प्रवासी मजदूर हैं या मध्य प्रदेश किसी भी कोने में, उन्होंने कहा जो संयम आपने कई दिन तक रखा कुछ दिन के लिए और रखें, जहां पर हैं वहीं रुकें। इस प्रकार की कोई दुखद घटना की संभावना घटना दुर्घटना ना हो, यही अपील उन्होंने की। इसी प्रकार से विद्यार्थी देश के कोने कोने में हैं, उनको भी लाने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम कोटा से 10,000 विद्यार्थी हम लेके आए, कल हमने इंदौर से कश्मीर के 70 विद्यार्थियों को वहाँ भेजा, और इसी प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के साथ जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी किसी भी प्रांत में किसी भी देश के प्रांत में हैं उनको लाने की कोशिश पूरी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और ये जो कोरोना का संकट है ये बड़ा संकट है, बड़ी चुनौती है, बड़ा संघर्ष है। संघर्ष ये देश का संकट नहीं है, ये पूरे विश्व का संकट है। पूरे विश्व में संकट आ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का संकट नहीं है, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकट नहीं है, हमारे भारतवासियों प्रदेश के प्रत्येक वासियों का, ये उनका हम सबका संकट है। और इसमें सब लोग, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आम नागरिक को मैं धन्यवाद देता हूँ जो देश के प्रधानमंत्री ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अपील की थी संयम के साथ, धैर्य के साथ, समन्वय के साथ इस लॉकडाउन का जो पालन घर में रुककर सावधानी से करें, एक दिन सफलता हमें इस संकट से
कोरोना वायरस से मिलेगी। मदरी जी, क्या लगता है 17 मई को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है, इंदौर वाले जानना चाहते हैं, इंदौर वासी जानना चाहते हैं कि कब इंदौर की स्थिति नियंत्रण में। आप जानते हैं आज इस सारे मुद्दों को लेकर सम्माननीय सांसद जी के साथ कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, सारे डॉक्टर, आला अफसरों से चर्चा हुई हर बिंदु पे, चाहे वो इंदौर की कानून व्यवस्था पे हो, कोरोना वायरस पर हो, संकट पे हो, डॉक्टर पर हो, सुरक्षा की बात लेकर, किसानों की बात लेकर, मजदूरों की बात लेकर, युवाओं की बात लेकर, हर वर्ग के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है और ये निर्णय अति शीघ्र हम करेंगे, क्योंकि ये निर्णय का संबंध केंद्र सरकार से भी है और मध्य प्रदेश की सरकार से भी है। इसको बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। कोरोना वायरस एक बड़ी चुनौती है। क्या मानते हैं रेड जोन में जैसे इंदौर है तो लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, ये तय हो, ये माना जा रहा है? मैं इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, इसी प्रकार के मध्य प्रदेश के नौ जिले रेड जोन में हैं। ये निर्णय हम लोग मंगलवार को कैबिनेट होगी और सम्माननीय मुख्यमंत्री प्रतिदिन 4 से 5 कोरोना वायरस पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ, आला अफसर के साथ हर प्रतिदिन रोज समीक्षा करते हैं, रोज बैठक करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 20 घंटे इस संकट से, चुनौती से काम कर रहे हैं और जो 4 घंटे बचते उसमें भी यही सोचते रहते हैं कि ये संकट से हम कैसे उभरे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट जी जो कि बता रहे थे कि लॉकडाउन जहां एक और आगे बढ़ने के लिए ऐसे हालात बन रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने इंदौर की जनता को भी यहां पर लॉकडाउन का 100% पालन करने की अपील दी है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण काल की स्थिति नियंत्रण में होगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज, इंदौर। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।